For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ छू प्रणव। स्वागत है तमारू उत्तर गुजरात नी लोकप्रिय चैनल बीके न्यूज टुडे में। आज ना समाचार ना प्रायोजक छे भगवती साड़ी शोरूम्स डीसा। दर्शक मित्रों, समाचार शुरू करता पहला जोईशु आज ना मुख्य समाचार। श्री राम मंदिर ना निर्माण ने लईने जिला में खुशी नो माहौल। विविध संगठनों द्वारा ठेर ठेर उत्साहपूर्वक उजवणी कराई। बटाका नगरी डीसा में बटाका ना बंपर भाव, खेडूतो अने वेपारीओ ना चेहरा पर खुशी जोवा मळी। अमीरगढ़ ना खुणिया गाम नजीक काला डूंगर ना पत्थरों में संभळाय छे झालर अने घंट जेवा रहस्यमय अवाज। पवित्र श्रावण मास निमित्ते राणपुर आथमणावास ना दुधेश्वर महादेव मंदिर पर जुओ अमारो विशेष अहेवाल। हवे जोईए समाचार विगतवार। अयोध्या में आज भगवान श्रीरामना मंदिरनु भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में थयुं। त्यारे आ ऐतिहासिक निर्णय ने लईने समग्र बनासकांठा जिला में भगवान श्रीरामनी ठेर ठेर उजवणी करवामां आवी हती। अयोध्या में आज भगवान श्रीरामना मंदिरनु भूमिपूजन करवामां आव्युं, त्यारे समग्र देश में खूबज उत्साहनो माहौल है। त्यारे बनासकांठा में पण ठेर ठेर जय श्रीरामना नाराथी गामों अने शहेरोनी शेरीओ गूंजी उठी है। बनासकांठाना डीसामां महिलाओं द्वारा भगवी धजाओं साथे शहरना मार्गों पर फरी जय श्री रामना नारा लगाव्या हता। तो डीसा में साईबाबा मंदिर पासे महाआरतीनुं आयोजन करायुं हतुं। साथे साथे कार सेवकोनुं सन्मान पण करायुं हतुं। डीसा में जैन समाज द्वारा 1100 गोळना रवानुं वितरण करी समग्र डीसानुं मों मीठुं कराव्युं हतुं। त्यारे जैन समाजना आगेवाने जणाव्युं हतुं के रामना मंदिरनुं खातमुहूर्त थतुं होय ते समग्र हिंदू समाज माटे गौरवनी वात छे। तमाम समाज एक थईने रहे ने सर्व समाज एक है तेवा उद्देश्य साथे अमे 1100 गोळना रवानुं वितरण कर्युं छे। समग्र भारत में अत्यारे राम जन्मभूमि शिलान्यास प्रसंग उजवाई रह्यो छे त्यारे अपना डीसाना आंगणे पण डीसाना सर्व नगरजनोए अहींया सरस मजानो राम जन्मभूमि शिलान्यासनो प्रोग्राम कर्यो। एमां सौ साथे सामाजिक समरूपतामां एक थवा माटे करीने डीसा जैन संघ तरफथी डीसाना सर्व जैन समाजों तरफथी 1100 जेटला गोळना रोडियानुं अहींया आ प्रसंगे मों मीठुं करावा नगरजनोने करामां आवेल छे। बोलो जय श्री राम। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्ते राम मंदिर निर्माण शिलान्यास प्रसंगे आज समग्र देश में उजवणी करवामां आवी रही है। जे अंतर्गत बनासकांठा जिला डीसा में विश्व हिंदू परिषद द्वारा भव्य आतिशबाजी करी उजवणी करी हती। डीसा में पण साईबाबा मंदिर खाते धारासभ्य शशिकांत पंड्या सहित राजकीय आगेवानों, सामाजिक अग्रणीओ अने विविध संगठनों उपस्थित रही 1100 गोळना रवानी प्रसादीनुं वितरण कर्युं हतुं। साथे साथे डीसा शहर में लोग रात्रे पोताना घरे दीवा प्रगटावी भगवान श्रीराम की उजवणी करे तेवुं जणाव्युं हतुं। जय श्री राम। जय श्री राम। आज तारीख 5/8/2020 रोज राम जन्मभूमि पर भव्य निर्माण थई रह्युं छे। तेना माटे माननीय वडाप्रधान श्री संघना परम पूज्य संचालक मोहनजी भागवत, विश्व हिंदू परिषद चंपादाजी अने उत्तर प्रदेश सरकार आज भूमिपूजन कर रही है। अनुसंधान विश्व हिंदू परिषद डीसा प्रखंड द्वारा आज डीसा शहर में माँ आरती, आतिशबाजी और प्रसाद वितरण एक भव्य कार्यक्रम राख्यो हतो। जेमां डीसा शहरना मान्य धारासभ्य, नगरपालिका प्रमुख श्री तेमज दिनेशभाई अनावड़िया, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं जयेशभाई, महेन्द्रभाई तेमज नगरजनों मोटी संख्या में हाजर रही आ कार्यक्रम में दीपाव्यो हतो। पुलिस तरफ सारो सहकार मळ्यो छे। डीसा शहर में गई रात्रे रंगोली सजाई दीवाओ कराया। आज साँजे पण विश्व हिंदू परिषद तरफथी रंगोली बनाववामां आवशे, दीप प्रगट्या थशे। हिंदू समाज ने विश्व हिंदू परिषद बनासकांठा ने डीसा प्रखंड आह्वान करे थे कि आज साँजे दिवाळीनो माहौल बनावे, घरे घर दीवा करे, आतिशबाजी करे ने भगवान रामनु मंदिर भव्य बने ये माटे भगवान रामनी प्रार्थना करे एवं विश्व हिंदू परिषद बनासकांठा ने डीसा वती खूब खूब विवान के विनती करे ने आह्वान करे हिंदू समाज ने काओ वितरणनो सबक आपो ने भव्य मंदिर बनावो सहकार आपो। ज्यारे बीजी बाजू आज रोज अपना देशना वडाप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या खाते राम मंदिरना भव्य निर्माण माटेनुं भूमिपूजन करवामां आव्युं हतुं। त्यारे तेनी उजवणी समग्र देशना तमाम राम भक्तों जोरशोरथी करी रह्या छे। आज आखो देश भगवान श्रीरामना भगवा रंगमां रंगाई अने उजवणी करी रह्यो छे। त्यारे डीसा शहेरमां पण आजे श्रीरामना भक्तों द्वारा विविध रीते श्रीराम मंदिरना निर्माणने लई उजवणी करी रह्या छे। त्यारे डीसा शहेरना एक राम भक्त द्वारा तेना घर आंगणे सुंदर मजानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां अयोध्या जेवा राम मंदिरनुं सुंदर सुशोभन करीने राम भगवान प्रत्येनो पोतानो अनोखो प्रेम अने भक्ति दर्शाववानो प्रयास कर्यो हतो। डीसा खाते रहता शैलेष ड्रेसवाला द्वारा तेमना घर आंगणे राम भगवाननी मूर्ति सजावी तेमज जात जातनी रंगोळी पूरीने खूब ज सुंदर रीते तेने शणगारवामां आव्या हता। साथे साथे तेमना अंदर रहेली भगवान श्रीरामनी प्रेम भक्ति जोवा मळी हती। देशमां आवा अनेक श्रीरामना भक्तों परथी स्पष्टपणे देखाई आवे छे के राम भगवानना मंदिरना निर्माणने लईने तमाम राम भक्तों ने अने हिंदुओं में केटलो उत्साह रहेलो छे। 500 वर्ष पहलाना हिंदुओना जे स्वप्न हता, परम पूज्य श्री रामचंद्र भगवान जे रघुकुल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवानना मंदिरना नवनिर्माण में आजे हर हिंदूना हृदय में आनंदनो पार नथी। त्यारे अमने पण आ डीसा नानकड़ा शहर में अमे पण एक नानी इवेंट करीने आ आनंदनो अनुभव लोकोने कराव्यो अने अमे पण कर्यो। मीडियाना माध्यमथी अमे लोकोने एटલું कहीए छीए के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हता, रामनुं जीवन एक श्रेष्ठ जीवन छे। भाई प्रत्येनो प्रेम, पत्नी प्रत्येनो प्रेम, एक अनलिमिटेड प्रेम जे राम भगवाने कर्यो छे। एटले एमां राम भगवानमांथी आपणे घणुं बधुं शीखवानुं छे अने एमनुं जे मंदिरनुं खातमुहूर्त जे लोकोना बहु लोकोना स्वप्न हता अने घणा लोकोना स्वप्न हता पण लोको स्वप्न आ मंदिरनुं निर्माण जोई नथी शक्या, एमने अने जेने आमां मेहनत करी छे ए तमामे तमाम आत्माओने हूँ लाख लाख वंदन करूँ छूँ। अने राम मंदिर भव्य बने, अयोध्या में फरीथी एक महान अयोध्या बने अने आखा देश में राम राज्य स्थापाय एवी प्रभु पासे खूब खूब हृदयनी प्रार्थना छे। जय श्री राम, जय श्री राम। જ્યારે બીજી બાજુ ભીલડી શહેરમાં રામ મંદિર નિર્માણની ખુશીમાં ભીલડી શહેરની વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા ધજાઓ તેમજ 150 બેનર સાથે ભીલડી શહેર અને આજુબાજુના ગામોને સજાવવામાં આવ્યા હતા। આ ઉપરાંત ફટાકડાની આતિશબાજી કરી ખુશીઓ મનાવી હતી। લોકોએ ઘરોમાં 5 દીવા કરી આ પ્રસંગને અદ્ભુત રીતે ઉજવ્યો હતો। આ પ્રસંગ ગામડાઓમાં પણ એક અદ્ભુત નજારો જોવા મળ્યો હતો। જ્યારે બીજી બાજુ થરાદના નવા રામજી મંદિર ખાતે શ્રીરામ સેવા સમિતિ અને ચાચર ચોક ગામ ગરબા મંડળના પ્રમુખ જગદીશ સિંહ રાજપૂતના અધ્યક્ષસ્થાને ભગવાન શ્રીરામની રામધૂન સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। અયોધ્યામાં શ્રીરામ ભગવાનના મંદિરના જન્મભૂમિને લઈને થરાદ ખાતે અલગ અલગ ધાર્મિક સંગઠનો દ્વારા બળિયા હનુમાન ચોકમાં ફટાકડા ફોડી આતિશબાજી કરવામાં આવી હતી અને શ્રીરામ જય શ્રીરામના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા। સમગ્ર થરાદ પંથકમાં हिंदू धर्मप्रेमी जनता द्वारा भगवान श्रीरामना मंदिरना निर्माणने लईने खुशीनो माहोल जोवा मळ्यो हतो, जेमां श्रीराम सेवा समिति, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जलाराम युवक मंडळ, गौ सेवा समिति मंडळ, महाकाल सेना सहितना विविध संगठनों द्वारा पेड़ा अने मिठाईओथी एकबीजाने मोढुं मीठुं करावी उजवणी करी हती। જ્યારે બીજી बाजू थरा विश्व हिंदू परिषद द्वारा थरा खाते आवेल श्रीकृष्ण गौशाला में विश्व हिंदू परिषदना कार्यकर्ताओं द्वारा गौशालानी गायों पर पुष्पवर्षा करी भगवान रामललानी मूर्ति ने वास्ते गास्ते थरा बजार में श्रीराम नामना जयघोष और फटाकड़ानी आतिशबाजी साथ प्रदक्षिणा करी हाईवे स्थित बहुचर माताजी मंदिर खाते थरा विश्व हिंदू परिषद प्रखंडना कार्यकरो और भारतीय जनता पार्टीना कार्यकरो द्वारा भगवान रामललानी मूर्ति की आरती और हनुमान चालीसाना पाठ करी चाली रहेली कोरोनानी महामारी में सरकारनी गाइडलाइननुं चुस्त पालन करी भव्याति भव्य हर्षोल्लास साथे सौ कार्यकर्ताओं साथे मळीने उजवणी करी आनंद व्यतीत कर्यो हतो अने प्रसाद ग्रहण करी सौ छूटा पड्या हता। आ प्रसंगे विश्व हिंदू परिषदना प्रमुख दीपक भाई जोशी, भाजपना कांग्रेस धारासभ्य कीर्ति सी वघेला, थरा एपीएमसी चेरमेन अंदाभाई पटेल, पृथ्वीराज सिंह वघेला सहितना कार्यकर्ताओं विशाल संख्या में उपस्थित रह्या हता। आज ऐतिहासिक और आनंद उत्सव दिवस है। समग्र देश ने दुनिया में करोड़ों हिंदुओं हृदय स्थान है एवं भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या अंदर देश लोकलाड़ीला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहेबना वरद हस्ते आज राम मंदिर खातमुहूर्त 12:39 थी रू है। ये प्रसंगे कांकरेज विधानसभा विस्तार अंदर सौ धर्मप्रेमी जनता भाईओ ने बहनों आज थरानगर अंदर अँ रामजी मंदिर थी लई बहुचर माताजी मंदिर सुधी पदयात्रा करी अँ मंदिर में रामधून अने महाआरती कार्यक्रम करी आजना शुभ प्रसंगे अँ सौ धर्मप्रेमी जनताए बधारी आजना कार्यक्रम ने बधायो अने रामचंद्र भगवान जी मंदिरना जे मुहूर्तनुं काम थई रह्युं छे ए प्रसंगे सौ आज हिंदू धर्म भाई बहनों खुशी ने आनंद की लहरी आ थरानगर की अंदर जोवा मळी रही है। अयोध्या में मंदिरना निर्माण माटे हिंदू समाज द्वारा वर्षोथी अनेक मोटा मोटा आंदोलनों करवामां आव्या हता। आ आंदोलनों एटला मोटा हता कि हिंदू समाजना लोको एक एक महीना सुधी जेलों में रहीने आव्या छे। आ मंदिर माटे अनेक हिंदू समाजना लोकोए लोई रेड्युं छे। त्यारे आजे राम मंदिरनुं भूमिपूजन थयुं हतुं। त्यारे आ राम मंदिरने लईने वर्षोथी कार सेवको अने हिंदू समाजना लोकोए भोग आप्यो छे। त्यारे बनासकांठाना पण अनेक कार सेवको 1990 अने 1992 में अयोध्या गया हता। जे समये तेमना शुं अनुभव हता जे जाणीए। आजे डीसाना वासुभाई मोड जे 1990 में ज्यारे बनासकांठा जिल्लामांथी 45 कार सेवको झंडो लईने नीकळ्या हता त्यारे सौप्रथम जोधपुर पहोंच्या हता। जे बाद बीजा दिवसे तेओ आगरा जवा माटे नीकळी पड्या हता ज्यां पोलीसने जाण थतां आ तमाम कार सेवकोने धरपकड़ करवामां आवी हती। जे बाद तेओने अनेक प्रकारनी तकलीफों पण आ आंदोलनमां वेठवी पड़ी हती। जे बाद जेम तेम करी तेओ त्यांथी अयोध्या जवा माटे नीकळी पड्या हता अने फरी तेमनी धरपकड़ थई हती अने तेमनी आखी टीमने एक महीना सुधी जेलमां जवुं पड्युं हतुं। जीवना जोखमे अयोध्या पहोंची राम मंदिर जई पोतानो कार्यक्रम पतावी परत फर्या हता। जो के आजे तेमना अनुभवो अने आज केटली खुशी अनुभवी रह्या छे ते तेमना मुखेथी जाणीए। 1990 अंदर पहला जे कार सेवकनो जत्थो अहींथी रवाना थयेलो अमे बनासकांठामांथी लगभग 40-45 लोग निकळेला। जयपुर पहुंच्या पछी आगरा जता अमने थोड़ी तकलीफ पड़ी। आगरा गया पछी अमारी धरपकड़ करवामां आवी हती ने धरपकड़ कर्या पछी अमे त्यांथी रस्ते निकळी गयेला ने फरीथी अमारी धरपकड़ करी 21 दिवस सेंट्रल जेलमां रह्या। 21 दिवस सेंट्रल जेलमां रह्या। अमने खूब ज हैरानगति थयेली। जमवानी अंदर पण कोई व्यवस्था नथी अने एकलू मीठू और हलदरनू शाक ज देखाय। बाकी भाग्य तमारी किस्मत होय तो एकादू बटाको अंदरथी निकलतुं बरेली रोटली ने एवुं मळतुं अने खूब ज अमे आज वेदना भोगवी। आज अमने एटलो संतोष है कि आज करोड़ों लोकोना आस्था देव आज जे जन्मभूमि शिलान्यास थवा जई रह्यो छे अमे खूब आनंद अनुभवीए। ज्यारे बीजी बाजू पालनपुर तालुकाना गढ़ खाते आवेल रामजी मंदिरना गढ़ना रामभक्त युवक मंडल द्वारा बपोरना 12:15 वागे रामधून अने दीप प्रागट्यनो कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो। जेमां गढ़ना कार सेवक गोविंद भाई भुटका के जेओ 1989 में राम मंदिरना निर्माण माटे समग्र देश में आवेल तमाम गामोमांथी एक ईंट मोकलवानी हती त्यारे गढ़ खातेथी रामजी मंदिरेथी ईंट लई अयोध्या गया हता अने 1992 में कार सेवक तरीके अयोध्या जई राम मंदिरना निर्माण माटे कार सेवको पर थयेला अत्याचारमां पण सामेल थया हता। तेमना हाथे दीप प्रगटावी भगवान श्रीरामनी आरती उतारवामां आवी हती अने उपस्थित तमाम राम भक्तों द्वारा जय श्री रामना नारा गूंजवी समग्र वातावरण राममय बनी गयुं हतुं अने रामधून बोलाववामां आवी हती। तो बीजी बाजू गढ़ खाते रामचौकमां युवानों द्वारा धजाओ लई जय श्री रामना नारा बोलावी धजाओ लहराववामां आवी हती। आम समग्र गाममां आजे अनेरा उत्साह साथे राम मंदिरना निर्माणनी खुशीओ मनाववामां आवी हती। આજે સમગ્ર ભારતમાં જે રામ મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને ભારતના વડાપ્રધાન ગુજરાતના આપણા સૌના લોકલાડીના વડાપ્રધાન ભાઈ નરેન્દ્રભાઈના હસ્તે થઈ રહ્યું છે ત્યારે તો હર્ષ અને લાગણીની તો કોઈ વાત જ ન કરાય। કઈ હર્ષની વાત છે એ તો આપણે અનુભવી ન કરી શકીએ એ વાત પણ જ્યારે 1987માં આ કાર સેવકો અને જ્યારે વીએચપી અને સંઘના કાર્યકર્તા મિત્રોને જ્યારે સારો વિચાર આવ્યો કે અખંડ થયેલું આ મંદિર ने बनावा माटे आपणे निर्माण करवा माटे आपणे जे करवाना छीए एना निमित्ते गामडे गामडे थी जे ईंटों मोकलवामां आवी हती एमां पण अमे सहभागी बन्या छीए अने ईंटों राम मंदिरना अयोध्या चौक में आज आज आयाती में है निर्माण काम थवा जोईए एटले आपणी ईंटोंनो पण जे उपयोग थवानो छे। अने बीजू के 1992 में जयरे अयोध्या पर अपना कारसेवकोए चढ़ाई करी और कीधु कि अमरु मंदिर है अमरु मंदिर है अमरु मंदिर है, ये मंदिर ढोचा ने जयरे तोड़वामां आव्यो ने त्यारे पण एवुं कहेवाय हतुं ने ए वखतेनी सरकारोए अपना कारसेवको पर जे अत्याचार कर्यो छे ने एनी कोई लिमिट ज नथी अने एना भागरूपे श्री रामचंद्र भगवान सौ भारतवासीओना दिलमां वस्या छे अने एमणे कहेवायुं छे कि भाई अमरु मंदिर तो अहीं बनशे अने ए भागरूपे आज आ 5-8-2020 निर्माण थी है लागणी भागरूपे अमे बधा कारसेवको गढ़ना रामजी मंदिर में भेड़ा थया छे। तमे बात करी कि भाई हर्ष केवो अनुभव हर्षनी तो कोई सीमा ज नथी कि मारा भारत में मारा रामनु मंदिर बनतुं होय अने जो अमने हर्ष न होय तो बीजुं होय शुं। अस्तु भारत माता की जय। बटाका नगरी डीसा में बटाकाना बंपर भाव आवता खेडूतो अने वेपारीओना चेहरा पर घणा समय बाद खुशी जोवा मळी छे। समग्र गुजरात में छेल्ला 4-5 वर्षथी बटाटाना भाव दिन प्रतिदिन तळिये जता बटाटा पकवनार खेडूतो अने वेपारीओ देवादार बनी गया है। त्यारे चालू साले थाकेला खेडूतोए बटाटानुं वावेतर घटाड़ी उत्पादन घट्युं छे। साथे लॉकडाउनना कारणे नॉनवेज खानार लोको पण वेज तरफ वळ्या छे, जेना कारणे भाव हाल आसमाने पहोंच्या छे। हाल एटले के जुलाई अने ऑगस्टनी शरूआतमां कोल्ड स्टोरेजमां पड़ेल बटाटाना भाव प्रति किलो 16 થી 20 में वेचाई रह्या छे तो स्वारी क्वॉलिटीना बटाटा 20 થી 23 रुपया किलोना भावे वेचाई रह्या छे, जे बिल्टीना भाव रुपया 1600 થી 2000 रुपया थई रह्या छे। आ भाव खेडूत अने वेपारीने वर्षो बाद मळी रह्या छे। वेपारीओनुं कहेवुं छे वावेतर घट्युं अने मांग वधी एटले भाव वध्या छे, तो बीजी बाजू कोल्ड स्टोरेजना चेरमेननुं मानवुं छे के स्टॉक घट्यो छे, साथे साथे लॉकडाउन आवता नॉनवेज खानारा वेज तरफ वळ्या छे, जेथी पण भाव वध्या छे। साथे साथे जुलाईमां आ भाव पहलीवार मळी रह्या छे अने आवनार समयमां हजू पण मार्केट सुधरे तेवुं लागी रह्युं छे। समझो ने डीसा में बटाकानो भाव 20 થી 23 रुपया किलो थी गयो छे एटले बिल्टी में 80 किलोनो भाव समझो तो 1600 થી 1800 रुपया वच्चे रहे छे ने ए तेजी 4 वर्ष पछी आई छे। लोकोए समझो ने 2014 में सारी तेजी लीधी थी एना पछी 15, 16, 17 ने 18 में तो मोटा पाये नुकसान करेलू है। ए नुकसाननी इफेक्ट हजी ऊंधी थी एटले लोकोए स्टॉक ओछो कर्यो हतो ने ओछा स्टॉकना कारणे भाव वध्या छे। पण ऑल ओवर इंडिया में जनरली जोवा जईए तो स्टॉक जुए एटलो ओछो छे एटले एना कारणे भावतालनो हाल उछाळो छे ने लोकोए सारा भाव हाल खेडूतोने मळी रह्या छे। डीसानी वात करीए तो हाल डीसामां केटलो स्टॉक हशे? डीसामां हाल मोटा पाये 60% एवो स्टॉक निकळी गयो छे। हवे थोड़ो घणो स्टॉक छे, हवे डिपेन्ड वरसाद उपर छे के एमां सीडमां कन्वर्ट केटलुं थाय छे ने लोको खावामां केटलुं राखे छे। नहीवत प्रमाणमां स्टॉक छे, मोटा पाये जोवे प्रमाणे स्टॉक नथी एटले ओछा प्रमाणमां बटाका पण निकळे छे ने ओछो स्टॉक छे एटले ओछा निकळे छे। गुजरातमां हाल कोल्ड स्टोरेजमां 40% स्टॉक पडेल छे अने जे स्टॉक आम तो सामान्य गणाय परंतु जुलाई अने ऑगस्ट में आवा भाव प्रथम वखत आवता खेडूत अने वेपारीना चेहरा पर चमक जोवा मळी रही छे। आ वर्षे बटाकाना भाव सारा जोवा मळी रह्या छे। भूतकाळमां बटाटानी मंदीना हिसाबे आ वर्षे वावेतर पण ओछुं हतुं अने उत्पादन पण ओछुं हतुं अने कोल्ड स्टोरमां प्रमाणसर स्टॉक थवाथी आ वखते खेडूतोने अने वेपारीओने भाव सारा मळी रह्या छे। वर्तमान समय में अत्यारे 20 रुपया लई अने 22-23 रुपया किलो सुधीना भाव जोवा मळी रह्या छे। अने बीजू कारण एक है कोरोना इफेक्टना हिसाबथी जे नॉनवेज तरफ लोको हता ए आ बरे वेजिटेरियन तरफ वध्या छे तो 2-3% डिमांड एनी वधवाथी पण बटाकाना एवा सारो भाव मळी रह्या छे। आज सुधी जून जुलाई के ऑगस्ट में ऐतिहासिक भावों अत्यारे जोवा मळी रह्या छे अने आवनार समय में भाव डाउन जवानी शक्यता नहीं पण भाव बढ़वानी शक्यताओ वधु छे कारण के आ फेरे वरसाद अत्यारे वर्तमान समय में अपना उत्तर गुजरात में वरसादनी पण समस्या छे अने वरसाद जो नहीं थाय तो जे बियाण बटाका पड्या छे एनुं वावेतर नहीं थाय अने ए बटाटा खावामां आवशे अने आपनार समय में पण बटाटा आवनार वर्षोमां पण बटाटा ऊंचा भावे उपभोक्ताओने खावा पड़शे। गुजरात में केटलो स्टॉक हशे? गुजरात में खावाना बटाटानो 1 કરોડથી ओछो स्टॉक छे एटले प्रमाणसर स्टॉक कही शकाय। जे दर वर्षे आपणे जान्युआरी सुधी बटाकानो स्टॉक चालतो हतो तो आ वखते नवेम्बर या 15 ડિસેમ્બરે आपणो स्टॉक नहीवत थई जशे अने भावो आवनार समयमां पण हजू वधु जोवा मळे एवुं अत्यारे अनुमान लागे छे। दर्शक मित्रों, खबरोनो सिलसिलो हजू यथावत छे ते पहला लईए एक नानकड़ो विराम। भगवती साड़ी शोरूम्स डीसा उत्तर गुजरात नो रिटेल सेलिंग्स नो સૌથી મોટો આઉટલેટ્સ ભગવતી ભગવતી 2.5 દાયકાની સફળતમ સફર બાદ રિટેલ વેચાણમાં तमाम कीर्तिमानों कंडार्या बाद ग्राहक परिवारों अपार प्रेम अने विश्वास साथे भगवती मैनेजमेंट लावी रह्यो छे। भगवती मेगा सेल ड्राइव तमाम टॉप क्लास ब्रांडेड साड़ियों, टॉप क्लास होजियारी, रेमंड सॉल्ट्स एंड ब्लैंकेट्स, ड्रेस मटीरियल्स, ब्रांडेड शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स मां पण हाई रेंज वेडिंग कलेक्शन, ब्यूटी क्रिएशन्स मां पण ब्रांडेड कंपनीओ साथे टाई अप करी ग्राहकोने आपवा जई रह्या छीए सीधो फायदो। न्यू मैनेजमेंट, न्यू डिसीजन। अमारो विशाल ग्राहक परिवार ए ज छे एनो साचो हकदार। भगवती सैल्यूट करे छे। भगवती सदाय आपनी साथे। भगवती साड़ी शोरूम, मेन बाजार, डीसा। फोन 02744 220 652। नक्षत्र उत्तर गुजरात ना पालनपुर जीवा विकसता शहर में सुख सुविधा नवू सरनामू। अफोर्डेबल फ्लेट्स नी सौने पोसाय तेवी भव्य स्कीम। अहीं बाळको माटे विशाल प्ले एरिया, बहनों माटे शॉपिंग सेंटर, युवानों माटे जिम, वडीलों माटे योगा हॉल, मॉर्निंग वॉक माटे ट्रेक, बाळकों ना उत्तम स्टडी माटे नजीक में शालाओ, पुस्तकों थी सज्ज लाइब्रेरी, अद्यतन सिनेमा हॉल। नक्षत्र 9,61,000 थी शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना नी सब्सिडी तथा सरल हफ्ते लोन नी सुविधा साथे 2 अने 3 रूम रसोड़ा फ्लेट्स नी स्कीम उपलब्ध। नक्षत्र ज्यां तमारू घरनु स्वप्न साकार करवा माटे आजे ज कॉन्टेक्ट करो 814000555500। विराम बाद आपनु स्वागत है वधु समाचारों में। अमीरगढ़ तालुकाना खुणिया गाम नजीक काला डूंगर तरीके ओळखाता पत्थरों में संभळाय छे झालर अने घंट जेवा अवाज। त्यारे शुं छे आ डूंगरनुं रहस्य, आवो जाणीए। अमीरगढ़ पंथक में खुणिया गाम नजीक आवेला काला डूंगर तरीके ओळखाता डूंगरना पत्थरों में झालर अने घंट जेवा अवाज संभळाय छे। अमीरगढ़ तालुकाना काला डूंगर विस्तार में आवा अनेक अनोखा पत्थर जोवा मळी रह्या छे, जेना पर बीजा पत्थर वडे मारवाथी झालर अने घंट जेवा अवाज संभळाय छे। त्यारे पत्थरों मांथी केम आवो अवाज आवे छे? आनी पाछळ कुदरती घटना छे के कोई वैज्ञानिक कारण जेवा अनेक सवालों लोकोमां हजू पण अकबंध छे। लोकवायका मुजब आ डूंगर वर्षो जूनो अने आ चंद्रावती नगरनो एक भाग मानवामां आवी रह्यो छे। कहेवाय छे के आ डूंगर उपर घणा साधु संतो द्वारा तप करी चूक्या छे, त्यारे अत्यारे पण डूंगर उपर साधु संतोनी धूणी हयात छे। आश्चर्यनी वात छे के आ डूंगर छूटाछवाया पत्थरोथी बनेल होय तेम देखाय छे, तेमज दुष्काळनी परिस्थितिमां पण पाणी वगर लीमड़ाना झाड़ लीलाछाम जोवा मळे छे। डूंगरनी नीचे आवेली गुफानो रहस्य हजू पण अकबंध छे। कहेवाय छे के गुफामां पशु अंदर जता बहार आवता नथी, त्यारे समग्र पंथकना लोको आ डूंगर ने चमत्कारी डूंगर मानी रह्या छे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय अमदावाद खाते गुजरात प्रदेश कांग्रेसना अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा तेमज सिद्धपुर धारासभ्य चंदनजी ठाकुरनी आगेवानी हेठळ सिद्धपुर शहर कांग्रेस समिति में अमरसी लालाजी ठाकुर प्रमुख पदे वरणी करवामां आवी हती। सिद्धपुर शहर कांग्रेस समितिना पूर्व प्रमुख हर्षदभाई पाध्याय पोतानी जवाबदारीओमांथी मुक्त थवा तेमज नवनिर्मित प्रमुखने साथ सहकार आपी सिद्धपुर शहर कांग्रेस समिति વધુ मजबूत थाय तेवो पत्र प्रदेश प्रमुखने रजू कर्यो हतो। माटे प्रदेश प्रमुख अमितभाई चावड़ाना हस्ते नवनिर्मित प्रमुखनी वरणी करवामां आवी हती। तेमज तेमना धारासभ्यना जणाव्या मुजब हर्षदभाई पाध्यायने आगामी चूंटणीमां जिल्ला कक्षाए महत्वनी जवाबदारी आपवामां आवशे अने आगामी नगरपालिकानी चूंटणीमां कांग्रेस पक्ष વધુ मजबूत थाय ते रीते कार्यो करवा सूचन आपी छे, जेमां जीपीसीसी डेलिगेट दशरथभाई पटेल, इब्राहिमभाई चारोलिया, हर्षदभाई पाध्या, बिपिनभाई दवे, रूपसंगजी ठाकोर, दीपकभाई बारोड तेमज तालुका अने शहर कांग्रेस समितिना कार्यकरो तेमज दरेक समाजना अग्रणीओ मोटी संख्या में उपस्थित रह्या हता। बनासकांठा जिला में कोरोना संक्रमण में सतत दिन प्रतिदिन वधारो थई रह्यो छे, त्यारे बनासकांठा जिलाना नागरिको जोड़ेथी विविध क्रेडिट सोसायटीओ ग्राहकोना 400 करोड़थी वधु नाणांनी ऊंचाबाद करी पलायन थई गई छे, त्यारे जन अधिकार मंच गुजरात द्वारा आवा कौभांडीओ पर त्वरित पगला भरवा माटेना आशयथी बनासकांठा जिला कलेक्टरने आवेदनपत्र आप्युं हतुं। बनासकांठा जिला में कोरोना संक्रमण में सतत दिन प्रतिदिन वधारो थई रह्यो छे, त्यारे बनासकांठा जिलाना नागरिको जोड़ेथी क्रेडिट सोसायटीओ ग्राहकोना नाणांनी जे ऊंचापात करनार आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, अर्बुदा क्रेडिट सोसाइटी, खेतेश्वर क्रेडिट सोसाइटी, समृद्ध क्रेडिट सोसायटी, सगुन, पल्स इंडिया, KMJ, JKMM वगैरह जेवी घणी बधी कंपनीओ द्वारा समग्र बनासकांठा जिल्लामांथी आश्रे 400 करोड़थी पण वधारे रूपियानुं उठामणुं करीने पलायन थई गई छे। जेमां बचत करनारा लोको गरीब अने परिश्रमी वर्गना रूपिया होवाथी अने आवा कोरोनाना कपरा समयमां जीवन गुजारवानो आधार होवाथी बनासकांठा जिल्ला कलेक्टरने आवेदनपत्र आपीने लाचार जनताना करोड़ों रूपिया पचावी पोते वैभवी जीवन जीवी रहेला आवा कोभांडीओ पर त्वरित पगलां भरी न्यायपूर्ण कार्यवाही करीने परत मळे तेवी विनंती करी हती। ज्यां सुधी सरकार आवी लेभागू संस्थाओं पर कड़क पगलां भरी जनताना डूबेला पैसा पाछा नहीं लई आवे त्यां सुधी समग्र गुजरातना जिल्लाओमां आवेदनपत्र आपवामां आवशे તેમજ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવામાં આવશે તેવું નિવેદન જન અધિકાર મંચના પ્રમુખ જોશી ચંદ્રકાંત ભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું। આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે કે જેની અંદર બનાસકાંઠાની અંદર ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી અને પલ્સ સહારા મુસ્કાન જેવી ફ્રોડ જે કંપનીઓ દ્વારા જનતાના જે પૈસા ડૂબ્યા છે જેની રકમ આશરે 400 કરોડ ઉપરની હોય આજે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને ત્યારબાદ અમે અત્યારે SP કલેક્ટર અહીં કચેરીમાં આવેદન આપવા જઈ રહ્યા છીએ। કઈ કઈ ક્રેડિટ સોસાયટીનું છે? सहारा है, आदर्श, अर्बुदा, खेतेश्वर, पल्स इंडिया है, समृद्ध जीवन जीवी बीजी घनी बड़ी कंपनीओ है कि जेना थ्रू कस्टमर बनासकांठा अंदर ओछामां ओछा 1.5 થી 2 લાખ कस्टमरों अंदर सळवायेला है और एनी सामे रकम 400 करोड़ थी पण वधारे है। केटलाय समयथी हूँ आना माटे फरी रह्यो छूं। गरीब एवी जनताओ है कि ज्यां कोरोनानी अंदर लोको आत्महत्या करवा माटे प्रेराई रही है जेना कारणे मने एवी प्रेरणा थई कि हूँ आ लोको माटे कंईक करूँ अने सरकार आ आवेदनपत्रों सांभळी અને સરકાર આના માટે યોગ્ય કંઈક પગલાં લે કે જેની અંદર બનાસકાંઠાની જનતાના 400 કરોડ ઉપર બી જયેલા છે અને પૂરી ગુજરાતની અંદર 20,000 કરોડ ઉપરનું આ કૌભાંડ છે। કઈ કઈ બેંકો છે આની અંદર? ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીની અંદર આદર્શ, અર્બુદા, ખેતેશ્વર, સગુન, પછી સમૃદ્ધ જીવન છે, વિશ્વામિત્ર ઇન્ડિયા પરિવાર, પલ્સ ઇન્ડિયા જેવી ઘણી બધી કંપનીઓ છે। હાલમાં શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે ત્યારે ભક્તો ભગવાન ભોલેનાથની ભક્તિમાં લીન થતા હોય છે અને તેમને પ્રસન્ન કરવા માટે તેમની આરાધના કરતા હોય છે। ત્યારે આજે અમે તમને એવા ડીસા પાસે આવેલા રાણપુર આથમણાવાસના દુધેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરાવીશું। BK News સ્ટુડિયો દ્વારા હાલમાં પૌરાણિક મંદિરોના શિવલિંગોના દર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે આજે આપણે ડીસા પાસે આવેલા રાણપુરના આથમણાવાસ પાસે તમને આજે દુધેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરાવીશું। ડીસા પાસે આવેલા રાણપુર આથમણાવાસના દુધેશ્વર મહાદેવના આજે તમને દર્શન કરાવીશું। આ દુધેશ્વર મહાદેવનું મંદિર त्रिवेणी संगम घाट तरीके ओळखाता बनास नदीना किनारे सुंदर रमणीय वातावरण वच्चे आवेलुं छे। आ मंदिरना इतिहासनी वात करवामां आवे तो 250 वर्ष पहला गोवाळो ज्यारे तेमना पशुओने चरावता हता ते दरमियान आ शिवलिंगनी तेमना द्वारा स्थापना करवामां आवी हती अने ते गोवाळो तेमना पशुओना दूधथी आ शिवलिंगनो अभिषेक करता हता माटे आ महादेवनुं नाम दुधेश्वर महादेव तरीके पाडवामां आव्युं हतुं तेवुं गाम लोको द्वारा कहेवामां आवी रह्युं छे। आ उपरांत अहींना लोको द्वारा एवुं पण कहेवामां आवे छे કે આ મહાદેવને દૂધનો રેલો ચઢાવવામાં આવે તો ગમે એવા કાનનો દુખાવો હોય તે વગર ઓપરેશને અને ડૉક્ટરની મદદ વગર દૂર થઈ જાય છે માટે જ લોકો આને કાનના ડૉક્ટરના મહાદેવ તરીકે પણ ઓળખે છે। આમ આસપાસના ગામના લોકો માટે આ દુધેશ્વર મહાદેવ એક આસ્થાનું પ્રતીક બન્યા છે અને અહીં આવનાર ભક્તો તેમના દર્શન કરીને ખૂબ જ આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે। આવા જ વધુ પૌરાણિક મંદિરના દર્શન તમને અમારા માધ્યમથી કરાવતા રહીશું। આ રાણપુર આથમણાવાસ ગામે દુધેશ્વર મહાદેવનું મંદિર કે આવેલું છે લોકવાયકા પ્રમાણે લગભગ 250-300 વર્ષ પહેલાં અહીંયા માલધારીઓ જે ગાયો ચરાવવા આવતા અને અહીંયા ખુલ્લો વગડો હતો એ ટાઈમે અહીંયા બેસતા અને પછી અહીંયા મહાદેવની સ્થાપના કરી એવી લોકવાયકા છે અને પછી એમને દૂધનો રેલો ચડાવતા એટલે નામ દુધેશ્વર પડ્યું। મહાકાલનું બીજું સ્વરૂપ હોય તો એ દુધેશ્વર છે। અહીંયા બે સ્મશાન ભૂમિ આવેલ છે। बे शमशान भूमिनी वच्चे एटले महाकाल ज कहेवाय। आवी लोकवायका प्रमाणे अने कोईपणने गमे एवो कान दुखतो होय डॉक्टर ऑपरेशन करवानुं कीधुं होय अने जो खाली महादेवनी आईने हाथ जोड़ी अने एक दूधनो रेलोनो खाली मनता करे तो एना कान अवश्य मळी। आवा किस्सा घणा एवा छे अने बहु पौराणिक मंदिर छे। बहु चमत्कारी महादेव छे। महादेव हरेक चमत्कारी ज होय छे। बोलो भोलेनाथ की जय। राणपुर आथमणावासनी अंदर आवेलुं दुधेश्वर महादेव मंदिर आजथी लगभग 200 वर्ष पहेलानुं छे। તેની સ્થાપના કોણે કરેલી તે હજુ સુધી કોઈને ખબર નથી પરંતુ અહીંયાના પ્રાચીન વડવાઓનું કહેવું છે કે આ મંદિર એક મહાકાલેશ્વર ઉંજન મંદિરને સમાન છે જેની આગળની બાજુમાં એક આગમાતા મંદિર તરીકે છે તેમજ પાછળની બાજુ સ્મશાન ભૂમિ છે आ बाजू में शमशान भूमि है। पारस पीपळो तरीके एक प्राचीन मोटो वृक्ष पीपळो पण आवेलो छे। आ मंदिर ने अंदर तमाम मनताओं मनोकामना पूर्ण थाय छे। दुधेश्वर महादेव मंदिर ए दूध कानना रेला माटे प्राचीनथी प्रचलित है और दूधनो रेलो चढ़ावाथी तमाम कानना डॉक्टर कहेवाय तेवुं पण छे। तेमज तमाम प्रकारना रोगों माटे लविंगनुं तेमज तजनो पण अहींया प्रसाद चढ़े छे अने तेमनी तमाम मनोकामना अहींया नहीं परंतु आजूबाजूना तमाम गामोमांथी लोको आवे छे अने प्रसाद पण करे छे। अने आ एक जग्या एक नदीनी बाजूमां बनास नदीनी किनारे ज छेवाड़े तमे जोई शको छो के नदीने रेलो बधुं अहींया छे। नदी कम्प्लीट चाले छे परंतु अहींया आ आटलुं ऊंचाई पर छे ते छतां अहींया नथी। बाजूमां बधे नदी चाले छे आ मंदिरने छोड़ीने अने अहींया शिपु डेम शिपु नदी तेमज बनास नदी बंनेनो संगम पण अहींया ज थाय छे अने तेमज आ त्रिवेणी संगम तरीके पण स्थान छे। अपना बनासकांठा जिल्लाना डीसा तालुकाना राणपुर आथमणावास गामे दुधेश्वर महादेवनुं प्राचीन मंदिर आवेल छे। ते मंदिर में हूँ खुद 7 वर्षथी पूजा करूँ छूँ। मंदिर बहु पौराणिक जूनू है। पहला नानू मंदिर हतुं तेमांथी गाम लोकोए एनो मोटो वसवाट करीने मंदिर बहु मोटुं ज बनाव्युं छे अने आ मंदिर बहु जूनू छे अने पूजा अर्चना करवानी बहु ज मजा आवे छे। अमने अंदाजे केटला वर्ष अंदाजे 200 वर्ष जूनू छे। शुं मंदिरमां कोई बाधा आपणी दाखवाती ना मनोकामना पूर्ण थाय छे। जो श्रद्धा राखो तो मनोकामना जरूर पूर्ण थाय छे। आ मंदिरनु देखवामां आवे तो त्रिवेणी संगम जे बनास नदी कहेवाय छे त्याना त्रिवेणी संगमनी किनारे आवेलुं आ दुधेश्वर महादेव मंदिर छे। एवुं कहेवामां आवे छे के अहींया पहला गोवाळो गायो चरावता था ते दरमियान आ शिवलिंगनी स्थापना करी थी ने ते गायनो दूधनो अभिषेक आ शिवलिंग उपर करवामां आवतो हतो। त्यारथी आ शिवलिंगनुं नाम दुधेश्वर महादेव पाडवामां आव्युं हतुं। एवुं पण कहेवामां आवे छे के कोई पण कांगना दुखावा होय तो गाम लोको मात्र आ शिवलिंगनी दूध चढ़ाईने मानता राखे छे तो कोईपण कानना दुखावो ए ते मटी जाय छे माटे जाने कानना डॉक्टर तरीके पण ओळखवामां आवे छे। आवा ज बीजा पौराणिक मंदिरना अमे तमने दर्शन करावता रहीशुं। कमल जयसवाल बीके न्यूज टुडे बनासकांठा। तो दर्शक मित्रों आ हता आजना मुख्य समाचार। વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ટુડે। બીકે ન્યૂઝ ટુડે એટલે બ્રોડ નોલેજ।